लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी, ये नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान, जय किसान। कितनी पवित्र है ये धरती जहां सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ और फिर उसका प्रकाश दूर दूर तक फैला। ये कहानी इसी धरती की है, इसी देश की है, भारत की। मलंग चाचा, मलंग चाचा, उठो, सवेरा हो गया। एक सवेरा और हो गया। भारत, वो देखो, धनी राम पाखंडी चढ़ते सूरज की पूजा कर रहा है। जिंदगी में डूबते की परवाह कोई नहीं करता। क्यों? बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा, इस सवाल का जवाब तुझे खुद ही मिल जाएगा। और अगर न मिला तो? तो मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा और तुझे चाचा कहना शुरू कर दूंगा। पर सुन, तब भी तू ही आकर मुझे जगाया करना। और अगर न जगाए तो? तो मैं सोता रहूंगा। और अगर कभी नहीं जगाए तो? तो मैं कभी नहीं उठूंगा। ये देख बेटा, जैसे ये दिया है ना, इसे मैं जब जलाता हूँ ये जलता है, इसी तरह जब तू मुझे जगाता है मैं जागता हूँ। चाचा, फिर वही लंबी कहानी लंबा भाषण। बेटा, राशन पर भाषण बहुत है लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं, इसलिए जब भी बोलता हूँ ज्यादा ही बोलता हूँ, समझा? जा बेटा, जा स्कूल, जाते हुए देर हो रही। अबे तू नाई है के कसाई? क्या करूं सुंदर लाल जी, उधार खाते के काम में हाथ इधर से उधर हो ही जाता है। हो जाता तो काम कर, काम कर। सुंदर लाल जी, मैंने सोम और मंगल के बाल काटे थे, अभी तक उसके पैसे नहीं मिले। कितने पैसे हुए बोल? सिर्फ 3 आने। सिर्फ 3 आने? और तूने जो ये खून निकाला है इसकी कीमत मालूम कितनी होती है? अबे 2 डब्बे असली घी खाकर इतना खून बनाया था, और आजकल असली घी का भाव क्या होता है मालूम है? देख लो पूरा, अगर हिसाब करेगा तो घाटे में रहेगा। चल, हाथ चला। प्यारी, ओ प्यारी, देख सुंदर, तू अपने काम से काम रखा कर। अरे काम तो एक ही है, तू भट्टी पर दाने भूनती है और मैं हट्टी पे दाने बेचता हूँ। सुबह सुबह शुरू हो गए सुंदर लाल। आओ गांव के बाप, तो चाय तुम्हारे यहाँ ही लस्सी पी लूं। लस्सी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बात यह है, जब से सोम मंगल की माँ मरी है घर में दही नहीं हुआ, फिर लस्सी कैसे बनाऊं? चलो आज बाजार से ही पी लूंगा। लाओ पैसे दे दो। क्या हुआ? कट गया, कट गया। ये लो मलंग जी, ये लो। ले लभू इसकी हजामत के पैसे, लस्सी मैं खेतों में रामू के साथ पी लूंगा। रामू, आज चुप क्यों है, क्या सोच रहा है? तेरे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में? हाँ। किसने? हाँ। दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? दूसरी शादी? हाँ। कमली के लिए तुझे बीवी की जरूरत नहीं तो क्या हुआ?
नन्ही सी बच्ची को माँ की जरूरत तो होती है। तू ठीक कहता है रामू, लेकिन जरा सोच, अगर दूसरी शादी के बाद भी कमली को माँ ना मिली तो? अपनी बात रहने दे, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें दूसरी शादी के बाद सुख मिला हो। और हर औरत राधा बहन जैसी नहीं होती जो अपने सगे बेटे पूरन से ज्यादा प्यार सौतेले बेटे भारत से करे। मुझे भी लोग यही कहते थे कि सौतेली माँ भारत का जीना हराम कर देगी, लेकिन राधा और भारत के प्यार ने लोगों का मुंह बंद कर दिया है। विष्णु, राधा, अरे छुप छुप कर अपनी तारीफ सुन रही थी क्या? अरे विष्णु, चल खाना खा ले। अरे तू चल, मैं बैलों को खोल के आता हूँ। चला राम राम लाला जी। जय जय राम जी। कैसी हो राधा बहन? आइए लाला जी, हमारे साथ खाना खाइए। अरे भाई, मेरा खाना तो तुम ही लोग हो। जय जय राम जी की, मेरा मतलब तुम्हारी ये फसलें, इन्हें जल्दी जल्दी बड़ा करो, कटाई करो, ताकि मैं इन्हें मंडी में बेचकर दो पैसे तुम्हें भी दूं और जो ढेला बचे हो मैं भी ले लूं। क्यों लखपति? ठीक कहते हैं, जब लाला जी को अधेला मिलेगा तभी तो मुनीम को पाई दिखेगी है। लाला जी चिंता काहे की, एक छोड़ दो दो ढेले ले लिया करो मुझसे। और अबे ओ तू, नाम का लखपति और काम का कंगाल, तुझे पाई की जगह चार पाई ले दूंगा, लेकिन काम वहां कर जहां ईमानदारी हो, समझे? देख तू हर जगह अपनी टांग मत अड़ाया कर, एक ही तो रह गई है उसे संभाल कर रख। लाला जी राशन पर भाषण बहुत हैं, लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं, इसलिए जब बोलता हूँ ज्यादा ही बोलता हूँ, और फिर लातों के भूत तो मैं बातों से सीधे कर देता हूँ, समझे? चल रामू, खाना मैं खा लेता हूँ, धनी राम तो धन खाता है। क्यों विष्णु, करी सुनाई? राधा बहन, मैं झूठ नहीं कहता, सच कहता हूँ, अच्छा आदमी बनूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा। देख तेरे चरणों की सौगंध, ये 2 साल की कैद मेरी आखिरी कैद। राधा बहन, बस तुम्हारे सर पर हाथ रखते, भगवान की सौगंध, फिर तुझे इस चरणदास को भाई कहते शर्म नहीं आए। ये तो तू हमेशा ही कहता है। अरे इस बार तो भगवान की सौगंध खा रहा हूँ ना। सौगंध तो तू हमेशा ही खाता है, लेकिन चरणदास अब ये तो मुझे यकीन क्यों दिला रहा है? राधा बहन, इस दुनिया में सिवाय तेरे मेरा और है ही कौन? बस एक तू ही तो है मेरी बहन, इकलौती बहन। साफ साफ क्यों नहीं कहता तुझे क्या चाहिए? राम राम राम, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि राखी कब है, बंधवाने आ जाऊं? अरे राखी में तो अभी 6 महीने हैं। तू बैठ, मैं तेरे लिए लस्सी लेकर आती हूँ। हाँ राधा बहन, कितनी अच्छी है तू। देख लिया, उसने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। Come on, come on, come on!
बेटे हट जा। चिंता मत करो भाभी, चिंता मत करो। जब तक बिश्ना जिंदा है खेतों में हल चलते रहेंगे, मैं हल चलाऊंगा। बिश्ने, हल चलाने वाला तो अपना हाल नहीं। हाँ, तेरे लिए खेतों में खाना पानी ला दूंगा, तेरी सेवा कर दूंगा, तू कहे तो रात भर तेरी टांगे दबाता रहूंगा, फसलों की रखवाली कर दूंगा। आदमी बीज बोकर फसल उगने पर काट ले, मगर मलंग तेरी शुरू की हुई बात कभी खत्म नहीं होती। बिश्ने, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, ये बच्चे बड़े होकर तेरा सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ, समझा बेटा। जाओ जाओ, तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया, जाओ। बाहर पूरन को भी साथ ले चलो। जाओ बेटा पूरन, जाओ। Thank you.
चिट्ठी आई है, ये लो। क्या लिखा है? पूरा ने लिखा है कि वो इस्माइल इम्तिहान में पास हो गया है। अरे सोम मंगल, पास क्या होता है तुम समझते हो? अरे सोम मंगल, तुम छठी जमात में कब तक अटके रहोगे? पास क्यों नहीं होते? भरत भैया, तुम चाहते हो हम अपने प्यारे बापू की नाक कटवा दें? वो कैसे भाई? सुनो भरत भैया, अगर हम बापू से ज्यादा पढ़ गए तो बापू की नाक नहीं कटेगी, और अगर तुम ज्यादा पढ़ लिख गए तो सुंदर चाचा की इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। भारत भैया, तुम पढ़ लिख कर खेतों में काम करते हो और हम पढ़ लिख कर बापू की हट्टी पे बैठेंगे ना? और भारत भैया, जब तक मौसी भट्टी पे बैठी है, बापू हमें हट्टी पे नहीं आने देगा। भैर मेजर साहब, नमस्ते मेजर साहब। कहो भारत, कैसे हो? आप सुनाइए। दो रोज की छुट्टी पे शहर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अरे आओ बेटा, खाना आ गया, खा ले। आया था हूं। आइए मेजर साहब, खाना खा लें। चलो उन्हें बुलाइए ना। आओ जवान, खाना खा ले। 5 महीने पहले यहाँ इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हुई, उसके बाद जब भी मिला खाना खा के गया। हर बार तुम्हें दावत दी कि तुम हमारे पास आओ, लेकिन तुम्हें इन खेतों से फुर्सत नहीं मिलती। मेजर साहब, वो पूरन शहर से आएगा तो जरूर आऊंगा। राम राम मेजर साहब। राम राम, राम राम। कहो चौधरी, कैसे हो? कृपा है भगवान की। मेजर साहब, पहले रोटी या छाछ? दोनों एक साथ। कमली, हाथ धुलवा। हाँ। माँ, पूरन की चिट्ठी आई है, ठीक ठाक है। सुमाई इम्तिहान में बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है, और उसने 200 रुपए मंगवाया है। मेजर साहब, आप बैठकर खाना खाइए, मैं भाग के डाकखाने से पैसे ले आता हूँ, आप पूरन को दे दीजिएगा। भारत सुनो, पूरन को मैं अपने पास से रुपये दे दूंगा, वापसी में तुमसे ले लूंगा। मेजर साहब, क्यों, मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं वाकई पूरन को रुपये दे दूंगा? विश्वास? विश्वास तो एक ऐसा संबंध है मेजर साहब, जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाता है। आप पर मेरा ही क्या, आप पर तो सारे देश का विश्वास है मेजर साहब। मैं तो ये कह रहा था कि आपको वाकई। भारत, वो देखो, हल और बंदूक। बंदूक तुम्हारा विश्वास है और हल हमारा विश्वास है, और आज ये दोनों सारे देश का विश्वास है। पुरन, पुरन, क्या बात है, आज उदास बैठे हो? क्या भाई ने पैसे नहीं भेजे? अरे यार, लिखता बाद में हूँ, भारत पैसे तो पहले भेज देता है। आज ही मेजर साहब पैसे देकर गए। वंडरफुल, तो फिर चलो। कहाँ? अरे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी। नहीं यार नहीं, अब घूमना फिरना बंद। इम्तिहान सर पर है, अब पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो पढ़ाई। पूरन, तुम जो ख्वाब देखते हो ना, वो पढ़ाई से सच होने वाले नहीं। सिर्फ पढ़ लिख कर तुम बड़ी बिल्डिंग और चमकती हुई कार के मालिक नहीं बन सकते। जरा इस हॉस्टल की चार दीवारी से बाहर तो निकलो, और यार तुम ये अपना नाम बदल डालो। माफ करना दोस्त, ये जो पूरन है ना, बिल्कुल चूरन की तरह लगता है। तुम अपना नाम पूरन कुमार रख लो। पूरन को आराम करने दो, कुमार का इस्तेमाल करो। टुको को खोले। हेलो कविता। हेलो प्राण। कविता, यह है मेरे दोस्त मिस्टर कुमार, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और यह है कविता। अभी अभी MBBS किया है, लेकिन शहर से दूर जाकर डॉक्टरी का पूरा तजुर्बा हासिल करना चाहती है। कविता, आज भैया और भाभी ने दिखाई दिए, वहां बैठे हैं, लेट्स गो। चलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आर यू अंकल रॉबी? हाय। How are you, Pran? Fine, thank you. ये है मिस्टर कुमार, और ये है हमारे अंकल रॉबी। How do you do? और ये है मेरे भैया और मेरी भाभी। आइए, तशरीफ रखिए।
बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। आओ चाचा। दिन में कहते हो कि हर संसारी का एक दूसरे से संबंध है, और रात को कहते हो कि ये रिश्ते नाते सब छूटे हैं, कोई किसी का नहीं। चाचा ऐसा क्यों कहते हो? भारत, दिन को मैं वो कहता हूँ जो होना चाहिए, और रात को मैं वो कहता हूँ जो हो रहा है। और तू भी सुन, तुझे भी कहता हूं, जी भर कर दूसरों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच, समझा? मतलब है दुनिया, दुनिया के लोग, लोगों का चलन। खैर छोड़, रात बहुत हो गई है, जा, तुझे सुबह खेतों में जल्दी जाना है। Thank you.
है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ, गांधी सुबह, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर, बसंती भगत सिंह, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, धरती। ले भाई, ये आठने पिछले आ गए। अच्छा, ले एक पताशा दे। पताशा तमाशा लगा रखा है, ले भाग। प्यारी, ओ प्यारी, क्या है? अरे मेरी हट्टी से गए हुए लाखों मन दाने तूने अपनी भट्टी में भून डाले, मगर कुछ इस मन का भी तो ख्याल कर। फिटे मुंह बोल, कब का मुहूर्त निकलवाऊं? ना तुझे कोई रोकने वाला और ना कोई मुझे टोकने वाला। तू तो शीशा नहीं देखेगा, लेकिन मेरे सफेद बालों को देखकर तो शर्म कर। मौसी ठीक कहती है बाबू। अरे सोम मंगल, अरे कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे? जिस मनहूस घड़ी में हमारी माता जी का ध्यान हुआ था। ओ सोम और मंगल, समझाओ अपने बापू को, नहीं तो। नहीं तो, नहीं तो क्या, मेरी हट्टी से गए हुए दाने अपनी भट्टी में भूनना बंद कर देगी? है नहीं, तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का तो सुंदर चाचा पीते ही नहीं, मगर पानी तो बंद हो जाएगा। आपके सामने बोलते हो, जाओ तो लगे पढ़ो, जाओ मैं भागू यहां से। अगर तू जा। भारत बेटा, जब तेरी शादी हो तो इन्हें गोद ले लेना, मैं तो इनसे तंग आ गया हूं। सुंदर चाचा, अब अगर ये ना होते तो तुम किन का सहारा लेकर बात बदलते? मौसी को मत छेड़ा करो। मगर भारत समझे। समझा समझा समझा। डॉक्टर 6 दिन हुए हैं गांव में आए हुए और 36 बार कह चुके हैं इन चीजों को ढांप के रखा करो। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते। जरा जरा सुनिए सुनिए, आइए 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 आइए।
आप इनको नहीं जानती? जी नहीं। तो अच्छी तरह जान लीजिए, वरना इस गांव में आपका काम नहीं चलेगा। ये है मलंग, बस रामता राम कहिए। जीती रहो बेटी। और ये है भारत, ये दोनों इस गांव के चौधरी हैं। भारत बेटा 11 जमाते पास है, इस जिले का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किसान है। मुझे इजाजत है? देखिए, आप यहाँ हमारी मेहमान हैं। अगर कोई तकलीफ हो तो सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। मेंशन नो। बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हें शहर में खाना नहीं मिलता क्या? जब भी शहर से आता हूँ तुम यही कहते हो। अच्छा बोला तो हूँ। कुमार, कविता। हेलो कविता। हेलो कुमार, तुम यहाँ कैसे? मैं तो इस गांव का रहने वाला हूँ, तुम यहाँ कैसे? क्यों, प्राण ने नहीं कहा था मुझे शहर से दूर रहकर डॉक्टरी का तजुर्बा हासिल करना है? अच्छा तो आप यहाँ डॉक्टरी कर रही है? कविता मेरे भाई से। मैं इनसे मिल चुकी हूँ। That's good. अच्छा कविता, एक बात तो बताओ, तुम यहाँ कैसे रहती हो? यहाँ ना तो कोई क्लब है, ना कोई रेस्टोरेंट है, तुम इस माहौल से बोल रही होती क्या? और नहीं तो, क्लब और रेस्टोरेंट अपनी जगह पे है और गांव की जिंदगी अपनी जगह पे। यहाँ बहुत शांति है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा कुमार, मैं चलती हूँ। अच्छा कविता, मैं फिर मिलूंगा। भारत, ये लोग जितने अमीर हैं उतने अच्छे। लाखों रुपए पास होते हुए भी इसका भाई नौकरी करता है, सीआईडी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर। पूरन, तेरा नाम कुमार कैसे हो गया? डॉक्टर ने तुम्हें पूरन नहीं कुमार कह के पुकारा था। भारत, दरअसल बात यह है कि पूरन आजकल बड़ा दकियानूसी और घिसा पिटा सा नाम समझा जाता है, और शहर में कुमार का बड़ा फैशन है। मैंने सोचा चलो कुमार नाम ही रख लिया जाए। बच्चे ही पैदा मत करो, फिर क्या करो? हैं? कल मुझसे भी यही कहा था। हरे को भी यही बोली। और मुझसे भी यही कहा था। हरे राम। मुझे भी यही कह रही। हरे को भी बोली। रात में चंपा कली को भी यही बोली और मारे को भी यही बोली। ये डॉक्टरनी ऐसे काय को बोले है? तुम्हारी भलाई के लिए। मारी भलाई के लिए? मारी भलाई चाहती ना डॉक्टरनी तो तू मने पूरे 12 बेटों का आशीर्वाद देती। 12 बेटे? हाँ, मारी दादी के 12 लड़के थे और 4 लड़कियाँ। गवर्नमेंट ने उनको घनई इनाम दिया था, पर अब तो कलयुग आ गया। मारे गांव में किसी के घर में भी 12 बेटे नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मारे पहले बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर मारे 8 बच्चे हैं। जरा 4 की कमी है तो मैं कोशिश में थी कि तुमने भाषण देना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारा आदमी क्या करता है? घास खोद दिया। ना ना ना, धनीराम जी के मुनीम गिरी करे है। कितना पैसा मिलता है? पैसा तो 100 रुपए के ऊपर 40 रुपया मिले, पर उसका नाम है लखपति। गुजारा कैसे होता है? गुजारा तो बड़े ठाटते हुए खा के पी के मस्त राम सो जावे। मेरा मतलब है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा? काई मतबल? मतलब उनकी शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई। लिखाई पढ़ाई? मारे गांव में स्कूल है, मुफ्त पढ़ावे, मने भी बुलाते थे, पर मने जरा शर्म आवे। जरा सोचो तो, अगर तुम्हारे 8 बच्चे के बजाय 2 बच्चे होते तो हो सकता था तुम एक को स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ा सकती थी। इधर आओ। काई बोलो जी। देखो जिनके 2 बच्चे हैं वो कितने खुश नजर आते हैं। हाँ, ये तो सारे ही हंस रहे हैं। और जिनके ज्यादा हैं, वो खुद भी दुखी हैं और उनके बच्चे भी। ये तो सारे के सारे रो रहे हैं, पानीपत का अखाड़ा बना हुआ है। हे भगवान, मारे घर में भी रोज ऐसा ही हो गए हैं। तुम ठीक बोलो। अरे सुना रहे,
हैं? डॉक्टर सब भाग लिए। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, हरी बात मारी समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई है। जब सारी समझ में आ जाएगी ना तो मैं इन सबको पकड़ के थारे पास ले आऊंगी। ये भी मैं चलू है? राम राम। और सब मारे से बहुत डरे हैं, ऐसे पकड़ के लाऊंगी चोटियां। हाँ हाँ भारत बेटा कैसे हो? चाची नमस्ते। अरे पूरन तुम शहर से ये क्या पहन के आ गए? कुर्ता और कमीज नहीं मिला है जैसा? चलो मने देर हो गई। हम लोग आपकी बातें सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने थी आप, बहुत अच्छी भावनाएं आपकी। गांव वाले डॉक्टर की तारीफ करते हैं और डॉक्टर गांव वालों की। अच्छा है ना, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। जिंदगी से समझौते के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा क्या है? चलो पूरन चले। पूरन कुमार, तुम्हारा नाम पूरन है? दरअसल बात यह है कविता, गांव वाले मुझे पूरन ही के नाम से जानते हैं। कुमार से पूरन अच्छा नाम है। देख लिया पूरन, अच्छे लोग अच्छी बातें पसंद करते हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा कविता, बाय बाय। बाय बाय। ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बेटा भारत। जय राम जी की लाला जी। जय जय राम जी की बेटा। बेटा जरा इन लोगों को समझाओ, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ लाला जी? ये लोग कहते हैं कि इस साल हम अपनी फसलें ही नहीं बेचेंगे। फसल भी कोई बेचने की चीज है लाला जी? फसल की कटाई के बाद अनाज बेचा जाता है। बेटा मैं भी तो अनाज ही बेचता हूँ। देखिए लाला जी, आप जैसे धनवान हमारे पसीने की कमाई को सस्ते भाव पर खरीद कर गोदामों में जमा कर लेते हैं, जिससे शहरों में अनाज की कमी हो जाती है। फिर आप लोगों को तरसा तरसा कर दुगने चौगने भाव पर अनाज देते हैं। लाला जी आप हमारे पसीने से लोगों का खून चूसते हैं। पर बेटे तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल जाते हैं ना, तुम तो भूखों नहीं मरते, तो दूसरों की चिंता क्यों करते हो? अरे बेटा इन लोगों को समझाओ, ये लोग कह रहे हैं कि भारत जो कहेगा वही हम करेंगे। ठीक कहते हैं ये, इस साल हम कटाई के बाद मंडी में जाकर अनाज खुद बेचेंगे। दो पैसे देर से मिलेंगे तो क्या हुआ, लोगों को तो दो पैसे कम देने पड़ेंगे। लाला जी आप जाइए, आप फसल नहीं बिकेगी। अच्छा तो दूसरे किसानों की तरह तुम भी अनाज दबाना चाहते हो? अनाज दबा कर रखना चाहता हूं? क्या मतलब लाला जी? अरे पूछो बनवारी से, पूछो शामू से, ये किसान लोग अनाज दबाते हैं या नहीं, पूछो पूछो इनसे पूछो। क्यों बनवारी? शामू क्या हो गया है तुम्हें? बनवारी इधर देखो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इन महापुरुषों के सपने तुम जैसे किसान और धनी राम जैसे धनवान की वजह से सच नहीं होते। जिस मट्टी में इनकी अंतिम राख मिली हुई है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, वो देश की अमानत है, लोगों की अमानत है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, समझे? भारत भैया मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं कि फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा भैया। सुन लिया लाला जी, आप जा सकते हैं। अगर ये बात दूसरे गांव तक पहुंच गई तब क्या हो? फिर तीसरे गांव में पहुंचेगी और फैलते फैलते सारे जिले में फैल जाएगी, फिर अपनी फसलें कोई हमारे पास नहीं बेचेगा। तू जब सोचेगा बुराई सोचेगा। अरे अगर धनी राम के पास धन नहीं रहेगा तो तुझे लखपति कौन कहेगा? फिर किया क्या जाए? किया क्या जाए, भारत तो मानने वाला नहीं है और उसके होते हुए दूसरे भी नहीं मानेंगे। तो फिर लखपति तू जाकर शामू के पांव पकड़, बनवारी के आगे नाक रगड़, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी, मैं शहर के दूसरे व्यापारियों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? तू जाकर एक एक को अपना बाप बना, नहीं तो तेरी औलाद भूखी मर जाएगी।
लखपति, मेरी कोई औलाद नहीं है, जो कुछ मेरा है तेरे लिए है। जा, भाग के जा। अच्छा, शाबाश। कैसे हो लखपति? जरा जल्दी में हूँ, आकर बताऊंगा। चरणदास, राम राम लाला जी। जय जय राम जी। आओ बैठो। कैसे आए भाई? लाला जी, बरसों बाद गांव में आया हूँ, सोचा आपके दर्शन ही कर लूं। और सब ठीक है ना? बस लाला जी, आप सर पर हाथ रखते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर जिसे आप कहेंगे उसे ठीक कर दूंगा। मतलब? मतलब यही लाला जी कि आज भारत ने आपसे जो जो बातें की हैं मुझे अच्छी नहीं लगी। जमाना बदल गया है चरणदास, अब मैं कर ही क्या सकता हूं। बहुत कुछ लाला जी, मैंने 12 बरस जेल में काटे हैं, और 12 बरस में हर रोज 12 बार यही कसम खाई है कि जेल से निकलते ही बदला जरूर लूंगा। किससे? भारत से। कैसे? कैसे? जय जय राम जी की। इसे दूर रखो भाई, डर लगता है। डर? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी लाला जी, मेरी कसम पूरी हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा, फिर गांव में किसानों को भड़काने वाला कोई नहीं रहेगा। चरणदास, आपके चरणदास का ये चरणदास। जय जय राम जी की। बस हुक्म कीजिए लाला जी। क्या हुक्म करूं चरणदास, तुम तो खुद समझदार हो, और जो खुद दुखी है वो दूसरे का दुख समझ ही लेता है। कुछ माल पानी की जरूरत हो तो कहना। पानी के लिए तो गांव में नदी बहती है लाला जी। तो इससे पहले कि ये चांदी की गंगा सूख जाए तुम भी गोता लगा लो। ऐसी बातें करते हैं लाला जी। पूरन, क्या सोच रहे हो? यूं ही जरा तस्वीर देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं? अच्छा जी। हाँ, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। क्या मतलब? यही, जब तुम शहर में थे तो मुंह में जबान नहीं थी, और अब गांव आए हो तो बातें करनी भी आ गई है। महसूस तो पहले भी करता था कविता, लेकिन शर्म के बारे कुछ नहीं कह पाया। तो क्या बेशर्म हो गए हो? किसी की सही तारीफ करने में क्या हर्ज? तुम्हारे भैया ने ठीक ही कहा है। क्या? तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं। जिंदगी से समझौते के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। खैर छोड़ो। अच्छा पूरन, कल भैया और भाभी शहर से कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा कविता, अब मैं चलता हूँ, कल आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। भारत, कहिए दमन भैया। यहाँ न ट्रैक्टर है न ट्यूबवेल, तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है, और फिर किसान मेहनत नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा। अपना भाई इसी में खुश है कि मेहनत बहुत करता है। पूरन, ये तो तुम्हारे लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कविता जरा भारत को देखो, हमेशा कोलू के बैल की तरह काम में जुटा रहता है। कविता, ये यहाँ पहले पहुँचता है तो सूरज बाद में निकलता है, और सूरज पहले डूबता है तो ये घर पहुँचता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी के बेहतरीन साल लगाने के बाद इसे क्या मिला? पसीने के चंद कतरे। पूरन, भारत तुम मेरी बात नहीं मानते। तुम अपनी कहो, मैं अपनी कहता हूँ, फिर इनसे राय ले लेते। किस बात की? भारत पढ़ा लिखा है और काम से जीव नहीं चलाता, क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर शहर में कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी जिंदगी आगे बढ़ सके। पूरन, अपने स्वार्थ के लिए अपनी परंपरा से मुंह नहीं मोड़ा जाता। लेकिन भारत। पूरन, तुम शहर किस लिए जाना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए? सुनो, शहर में कोई मिल मालिक है, कोई मिल मजदूर है, एक
लेकिन काम सभी पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं, और पेट की आग सिर्फ रोटी से बुझती है, अनाज से बुझती है, और अनाज सिर्फ खेतों में पैदा होता है। हमारे शहर जाने से खेतों में अनाज पैदा होना बंद तो नहीं हो जाएगा? पुरन, अगर सभी किसान ऐसा सोचना शुरू कर दें जैसा कि तुम सोचते हो, जानते हो क्या होगा? जहां इंसान बसते हैं वहां भूख बस जाएगी। पुरन, हमारे देश में पहले ही अनाज की कमी है, बाहर के देशों से अनाज आता है, ये बहुत बड़ा एहसान है उनका, मगर हम पे ये कितना बड़ा कलंक है कि किसानों के देश में अनाज की कमी है। मगर क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? वो किसान जिन्हें खेतों से ज्यादा शहर पसंद है, वो लोग जो अनाज दबाते हैं, वो लोग जो अनाज की पैदावार का तो सोचते हैं मगर बढ़ती हुई आबादी का नहीं सोचते। पुरन, तू खेतों की सोच, खेतों की। जब दोनों भाई मिलके काम करेंगे तो जानते हो क्या होगा? आमदनी दुगनी होगी। आमदनी नहीं पगले, अनाज दुगना होगा। जब भाई भाई मिलके काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। देखा कविता, छोटी सी बात थी और इतना बड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, आप किस सोच में डूब गए? सच पूरन, ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पर किसान हल चलाकर इंसान की तकदीर की लकीरें खींचता है। मतलब ये पूरन कि तुम पैंट पहनकर भी खेतों में खेती बाड़ी कर सकते हो। सुन लिया पूरन? खाना तैयार है। आइए। आइए ना। धीरे धीरे। बस बेटा बस। दुखता है। ना बेटा बस, हो गया हो गया। बेटा बस बस। अंगूठा मुंह में ले। लो, लिखे गए नाम। तेरा नाम मंगल और तेरा नाम सोम। अब तो अपने अपने नाम याद रहेंगे ना। चाचा, पैसे? कैसे पैसे? नाम लिखने के सुंदर चाचा। सुंदर चाचा? मैं तेरा चाचा हुआ तो ये तेरे कौन हुए? भाई। तो भाई से कैसी लड़ाई? अरे भूल जा अपनी कमाई। क्यों बेटा सो? अरे आओ 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 बापू, दे दे इसके पैसे, इसका रंग पीला पड़ गया है। अरे बेटा, इसका रंग पैसे के लिए पीला नहीं हुआ है। आज बसंत पंचमी है, इसका रंग पीला, मेरी पगड़ी पीली है ना। पीली 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 सरसों फूली, पीली उड़े पतंग। ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, पीली पगड़ी के संग गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। I'm
बदल जो है छोटे दिल का, वो कर दिल से बदल जो है छोटे दिल का, वो कोई छोटा ना बड़ा, कोई छोटा ना बड़ा, वो कोई छोटा ना खरा, वो जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। मेरी हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी भट्टी में भुन गए जाके, ओ जाके तेरी भट्टी में भुन गए जाके। तभी छोड़ूंगा जब तूने हाकी, ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाकी। बुढ़ापे की शर्म कर, खिचे मुँह बच्चों वाले, ओ तो बच्चों वाले, इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू चाहे बेटे, बाबू झूठ ना ऐसे बोल, हम दो हीरे हैं अनमोल, हमको पट्टी में ना रोल, अपने दिल के संग में। आई झूम के साथ आई झूम के चौक आई झूम के पसंद झूमो संग संग में आई झूम के। गला दुखता है तो छोटे का पेट। नहीं बापू, मेरा पेट छोटे का गला। हाँ मालूम है मालूम है। ज़बान दिखाओ। मैं लाला जी के बही खाते का तो हिसाब रख लेता हूँ, लेकिन अपनी औलाद का नहीं। आप अगर 8 साल पहले आ जाती हैं, तो हर साल नया नमूना तो नहीं आता। क्या बापू मैं नमूना हूँ? नहीं बेटा, तेरा बाप एक नमूना है। लखपति जी, ज्यादा औलाद माँ बाप पर भारी और देश पर बोझ। अब समझात का होत जब घर में इनकी फौज,
खैर कोई बात नहीं, पड़ोसियों को खबरदार कर दूंगा। ले जाता हूँ, कल लौटा दूंगा। अच्छा, धन्यवाद। सुनिए जी, अगर दर्द हो और रात को नींद ना आए तो ये गोली खा लीजिएगा। बहादुर जरा देखना बाहर तो कोई नहीं। अच्छा, और अगर कोई हुआ तो? जी, अगर कोई हुआ तो उसे हाथ जोड़ के कह दूंगा भाई, सबको कहना मगर माँ जी को मत कहना। क्यों? माँ जी को इसका पता चल गया तो खामखा परेशान हो जाएंगी। दरअसल मेरी माँ बहुत अच्छी है। आप भी तो अच्छे हैं। खुद अच्छा होता वो दूसरों को भी अच्छा कहता है, इसलिए तो आप सबको अच्छा कहते हैं। फिर कब आइएगा? अब तो आना ही पड़ेगा, आप डॉक्टर हैं और मैं मरीज। चलिए साहब, बाहर कोई नहीं। तुम दोनों ही शर्माते हो। वेल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी ने शहर जाते हुए कहा था कि आपने मुझे बुलाया है। उन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आपकी भाभी ने ऐसा क्यों कहा? ये झूठ क्यों बोला? मेरे लिए। देखिए, आप एक डॉक्टर हैं और मैं एक मामूली किसान। आज की इस दुनिया में आदमी अपनी दो वक्त की रोटी के लिए औरों की रोटी छीनता है, और किसान अपना पेट पालने के लिए सैकड़ों का पेट पालता है, हजारों का पेट पालता है। आप ठीक कहती हैं, आप शहर से गांव तक आ गई हैं। शायद मैं इस लायक नहीं कि गांव से शहर तक पहुंच सकूं। सुनिए, मैं और मेरे घर वाले मॉडर्न ख्यालात के जरूर हैं, मगर रामायण और गीता को हम उतना ही मानते हैं जितना कि आप। शहर में रहकर नई रोशनी में पलकर हमारा लिबास बदल सकता है, हमारी सभ्यता तो नहीं। अगर आज पूरन होता तो ये कहता कि कविता ने भी भारत की तरह भाषण देना शुरू कर दिया। आपने मेरी बात टाल दी। डॉक्टर की बात कौन टाल सकता है? मेरी बात का जवाब भी तो नहीं दिया। जानते हैं ये क्या है? क्या है? नींद की गोली। कल नहीं खाई थी, आज खाऊंगा।
गुस्सा थूक दो बेटे, भूल से रामू भैया को लग गई थी, और तुम तो जानते ही हो कि उसकी सजा मैं 12 साल जेल में चक्की पीस कर काट आया हूं। खैर, अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो लो बेटे, ये लो चाकू और कर लो अपना गुस्सा ठंडा। जय जय राम जी की। पूरन बेटे, ये तुम्हारे भले की सोचता है और इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है मैंने। हाँ पूरन, सुना है कि तुम शहर में रहना चाहते हो और तुम्हें कार का बड़ा शौक है, सो बेटे कार तुम्हें मिल सकती है। कैसे? भारत जमीन तो बेचना ही नहीं चाहता। जय जय राम जी की, उसकी जरूरत क्या है बेटे? मेरा कारोबार यहां से बड़े बड़े शहरों तक भाग लिया है और मैं हो गया हूं बूढ़ा, खुद भाग नहीं सकता, तो भाग दौड़ के लिए एक आदमी चाहिए ना। तुम पढ़े लिखे हो, शहर की देखभाल तुम करो और गांव के काम मैं संभालूंगा। लाला जी कह रहे थे कि 1500 से 2000 की तनख्वाह तो मामूली बात है। सच? 100 पैसे सच। तुम रुपए का बंदोबस्त कर लो और काम शुरू कर दो। रुपए का बंदोबस्त किस लिए? मैं बताता हूँ बेटे, ये इसलिए कि जब तुम शहर में मेरा कारोबार संभालोगे तो मेरे हजारों रुपए भी तो तुम्हारे पास रहेंगे, उसकी जमानत के लिए तुम्हें 20,000 की रकम मेरे पास रखनी होगी। 20,000? तुम्हारे लिए तो मामूली रकम है बेटा, भारत बहुत पैसे वाला है। भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर। जय जय राम जी की। लखपति, जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया। अभी बताता हूं। जमा पिछले साल किया था और वापस पिछले हफ्ते, असल 20,000 और सूद के 3,000। भारत के पास इतना पैसा? बरसों की कमाई है बेटे, भारत मेहनत भी खूब करता है और पैसा भी खूब जमा करता है। अगर भारत के पास पैसा हुआ तो वो मुझे जरूर देगा। जरूर देगा बेटा, जरूर देगा। लाला जी, तोता मिर्च खा गया। चरणदास जी, भारत को खत्म करने का तुम्हारा तरीका खतरनाक था, समझे? जी, कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ नहीं समझा। जो नहीं समझे वो भी समझ लो जी। अब पूरन भारत से पैसा मांगेगा, भारत के पास पैसा है नहीं, वो देगा कहां से? फिर पूरन भारत से हिसाब मांगेगा। फिर लाला जी? भारत के घर में महाभारत। लेकिन लाला जी, इससे हमें क्या फायदा होगा? शरणदास, भाई भाई की फूट में हमारे भारत देश से बाहर के देशों ने हमेशा फायदा उठाया। ये भारत तो नाम का भारत है। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल सुबह। कितने दिनों के लिए? 6-7 दिन के लिए। इतने दिनों के लिए? मेरी एक बहुत प्यारी सहेली की शादी है। हाँ, तब तो इतने दिन लग ही जाएंगे। हाँ, दिन तो लग ही जाएंगे, पता नहीं दिल लगेगा या नहीं। आप शहर में जाके जाने का सोचिएगा और मैं यहाँ रहकर आपके आने का सोचूंगा। दिल लग जाएगा और वक्त कट जाएगा। आज सुबह कमली के पिता पूरन के रिश्ते के लिए आए थे। हाँ। जब पूरन और कमली छोटे छोटे थे ना, तभी तेरे पिता ने ये रिश्ता पक्का किया था। तो बस माँ, जल्दी से उनकी शादी कर दो। अरे कैसे कर दूँ शादी? पहले बड़े की, पीछे छोटे की। माँ, मैं। अरे ये मैं क्यों कर रहा है? बस एक लड़की मिल जाए, पहले तेरी शादी फिर पूरन की शादी। वैसे अगर तूने कोई पसंद कर ली है तो बता दे, मैं ढूंढने में वक्त जाया ना करूं। माँ, इतना बुरा है तेरा बेटा कि कोई अपनी बेटी का रिश्ता ही लेकर नहीं आता? रिश्ते तो अनगिनत आते हैं, लेकिन बात तो ये है, मुझे ही कोई पसंद नहीं आती।
किसी की लड़की मोटी है, किसी की छोटी है, किसी की ऐसी है, कोई वैसी ऐसी है, कोई मोटी छोटी। माँ तूने ये सब कब से सोचना शुरू कर दिया? अरे पहले तो नहीं सोचा करती थी, लेकिन जब से अपनी डॉक्टरनी को देखा है ना, तभी से सोचती हूँ अपने भारत के लिए भी बिल्कुल ऐसी बहू लाऊंगी। क्यों पसंद है ना? आओ पूरा ना आओ, अभी अभी माँ तेरी शादी की बात कर रही थी, आजा। मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ। पूरन, हिसाब की किताबें? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक कितना रुपया कमाया गया, कितना खर्च हुआ और कितना जमा किया गया। पूरन, ये तो क्या कह रहा है? माँ, मैंने भारत से हिसाब मांगा है, मैं ये जानना चाहता हूँ आज तक कितना रुपया जमा किया गया। अरे खाक रुपया जमा हुआ है, दिन रात तो बेचारा मेहनत करता है, जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए तेरी पढ़ाई में लगा दिए और क्या। पूरन, तूने ये क्यों पूछा है? इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ। हिस्सेदार? क्यों, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं पूरन, सब कुछ तेरा ही है, बोल तुझे क्या चाहिए। 25,000। 25,000? इतने रुपए? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ पूरन, पर इतना रुपया तुझे किस लिए चाहिए? मैं चाहे रुपये को आग लगा दूं, लेकिन मुझे रुपया चाहिए। पूरन, इतना रुपया? मैं भारत के पास बहुत रुपया है, और फिर जो इसके लिए तो बहुत मामूली रकम है। पूरन, मैं कसम खाता हूँ मेरे पास झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया आज? मुझे रुपया चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास? तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूँ। कैसा सबूत? यही कि तुम्हारे पास 5 रुपया है। पूरन, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ। कहाँ? धनीराम के घर। धनीराम? हाँ, आओ आओ मेरे साथ। बेटा भारत, मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुमसे झूठ बोलूं? तुमने मुझे सूद पर 20,000 रुपया दिया, पिछले हफ्ते मैंने सूद के साथ 23,000 तुम्हें वापस कर दिया। झूठ कोरा झूठ। बेटा भगवान को मुंह दिखाना, सरकार को किताब दिखानी है, तुम भी देख लो, पढ़े लिखे हो बेटा, पढ़े लिखे हो। आप झूठे, आपकी किताब झूठी, आपकी हर बात झूठी। राम 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 राम। अरे भाई, घर का झगड़ा घर में निपट लो, लाला जी का वक्त क्यों खराब करते हो? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चरणदास, तुम्हारा भाई और लाला जी का खिदमतगार। ओ बेटा भारत, अगर ये रुपयों का मामला तुम्हें पूरन से छुपाना ही था तो मुझसे पहले ही कह दिया होता, न मैं पूरन से कहता न तुम दोनों भाइयों में झगड़ा होता। झूठ, फिर वही झूठ। लाला जी, आप मेरे दुश्मन इसलिए हैं कि आपको मेरी वजह से इस गांव से काले बाजार के लिए अनाज नहीं मिलता, और तुम मेरे दुश्मन इसलिए हो कि तुम्हारा चाकू लगने के बाद भी मैं जिंदा हूं। चाकू? कैसा चाकू, क्या बकते हो? ये देखो, कल रात तुमने मुझ पे वार किया। मैंने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई, हाँ तो दुख होगा, पूरन परेशान हो जाएगा। ये झूठ है, कल रात तो मैं लाला जी काम से दूसरा गांव गया था। पूछ लो लाले से, पूछ लो। किसी से नहीं पूछना मुझे। लाला जी, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। आज ये मेरी आवाज है, इस गांव की आवाज है, और कल हर एक किसान की यही आवाज होगी। खेतों में उगा हुआ अनाज जरूरतमंद लोगों के पास जाएगा, आपके गंदे गोदामों में नहीं सड़ेगा। मैंने हिसाब पैसों का मांगा है, लाला जी के गोदामों का नहीं। दादा बहन, मैं सच कहता हूं, तुम भले इसे सगे से बढ़कर समझो, लेकिन ये तुम्हें सौतेली माँ और पूरन को सौतेला भाई समझता है, नहीं तो क्यों इसका हिस्सा हजम करने की कोशिश करता? मैं जानती हूँ तुम इसके दुश्मन हो। राम राम राम, कैसी बातें करती हो? अरे जैसे मैं पूरन का मामा वैसे मैं इसका मामा। मामा जरूर हो,
लेकिन कंस हो कंस। पूरन, इन लोगों का विश्वास मत करना, ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ कह रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, सच कहा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, बहुत जल्दी तुम्हारा पता चल गया। देख लिया माँ अपने सौतेले बेटे को? मुझे माँ बेटा कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो अदालत दिलवाएगी। रुपये आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दो, जमीन बांट दो। नहीं नहीं पूरन, तुम पागल हो गए हो, कहते हो कि जमीन के टुकड़े करते हैं। पूरन पूरन, जमीन तो माँ होती है और माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। देख देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पूरन। कोई जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की, इसे जमीन चाहिए जमीन मिलेगी, इसे हिस्सा चाहिए हिस्सा मिलेगा, कर दो बंटवारा। माँ ये मेरा फैसला है, मेरा हिसाब कर दो, मैं अब इस गाँव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब रह भी नहीं सकते, और अगर रहना भी चाहोगे तो गांव वाले जूते मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं, और जिनके पास जूते नहीं है वो थूकेंगे, समझे? देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। और पूरन, अगर बंटवारे का ही कहना था तो कहा होता, कहा होता कि भारत अपनी अच्छाइयों का बंटवारा कर दे, भारत अपनी इंसानियत का बंटवारा कर दे। कमीने, अगर कुछ मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाले दिल का एक टुकड़ा मांगा होता ताकि तेरा भी भला हो जाता, समझे? चल बेटा, आंसू न जाया कर, चल चल, ये पाप की नगरी है, यहां कंस और दुर्योधन का ठिकाना है। जय जय राम जी, आज से इधर का खेत भारत का और इधर का खेत पूरन का। थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, पटवारी जी ये सामान उठा लीजिए। मगर बेटा ये तो कानूनी कार्रवाई है। लाला जी आप इस तरफ आइए, आइए चलिए आप। हाँ। जय जय राम। पूरन मेरी बात सुन, पूरन पूरन मेरी बात सुन, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सुन नहीं सकता कह तो सकता है, काम वाले से कह दो, कह दो कि ये बंटवारा इसलिए हुआ कि भारत बेईमान निकला, उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा सब कुछ खा गया। कह दो इनसे, कह दो कि भारत जलील निकला, कमीना निकला। लेकिन पूरन, मैं इतना जलील और इतना कमीना नहीं जितना तुमने समझा, लोगों ने तुम्हें समझाया। पूरन, अगर मुझे रुपए पैसे का ही लालच होता तो मैं तेरा कहा मानकर शहर चला गया होता, यहाँ खेतों में दिन रात एक ना करता। पूरन, अगर मुझे तुम्हारा पेट ही काटना था तो तुम्हें अपने हाथों से खाना ना खिलाता। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें शहर भेज दिया, अपने आप से अलग कैसे किया ये मुझसे पूछ। अगर अगर दो दिन तेरी चिट्ठी नहीं आती थी तो मैं पोस्ट ऑफिस में बैठा रहता था। ये सब किस लिए हुआ? तुम्हें धोखा देने के लिए? नहीं नहीं पूरन, देख देख कुछ नहीं बिगड़ा, चल चला, वहां से माफी मांग ले, उसे और दुखी मत कर, उसे और मत रुला। मेरा फैसला बदल नहीं सकता, और फिर मैं अपना हिस्सा मांग रहा, तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है?
हाँ। पूरन, जब हाथ कटकर अलग होता है तो तकलीफ होती है, दिल रोता है, आत्मा तड़पती है। लेकिन सुन, मैं भी भारत हूँ। मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूँ। ये ले जमीन के कागजात मैंने दस्तखत कर दिए। मैंने अपना हिस्सा तेरे नाम नहीं, तेरी औलाद के नाम लिख दिया है। सिर्फ इसलिए कि तू ये जमीन बेच ना सके, इस माटी का अपमान न कर सके। पूरन, इस माटी में हमारी माँ के आंसू मिले हुए हैं, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना मिला हुआ है। पूरन, आने वाली नस्लों की अमानत है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, इस पे हल चलाना हमारा फर्ज है। पूरन, मुझसे वादा करो कि तुम खेतों से मुंह नहीं मोड़ोगे। पूरन, तुम्हें इस माटी की कसम। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तो छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरी तब्दीली हो गई, शहर जा रहा था ड्यूटी पर, सोचा तुमसे मिलता चलूं, गांव गया तो सारी बातें मालूम हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ बारिश की वजह से रुक गया और तुमसे मुलाकात हो। भारत, तुमने किसी से कुछ बताया भी नहीं, अपनी माँ से भी नहीं? हिम्मत नहीं हुई मेजर साहब, माँ के आंसू मेरे पाँव में बेड़ियां डाल देते। कुछ दिन गाँव से दूर रहूंगा तो हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम यहाँ कैसे आए? सरदार जी के ट्रक। बादशाह ट्रक तो वहां गुरुदा है, हम तो उनकी फौज हैं। कहां जाओगे? कहीं भी। क्या करोगे? कुछ भी। कुछ भी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? ये दो हाथ मेजर साहब, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया। मेजर साहब आप किस सोच में पड़ गए? भारत में यह सोच रहा था, आज का किसान कल का जवान, क्या यह हो सकता है? सच मेजर साहब। तो चलो मेरे साथ। अरे भाई कितने पैसे? पैसे मैंने दे दिए मेजर साहब। अच्छा चलो। बेटा ये रहे अपने गोदाम हैं। आओ चले आओ बेटा, ऐसे ऐसे 10 गोदाम और हैं अपने, 8 गेहूं के और 2 चावल के। आ जाओ इधर। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। आज शाम को अपने दूसरे हिस्सेदारों से भी तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। बस बेटा मेहनत और ईमानदारी से काम किए जाओ, बस इतना ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर न। तो फौज में भर्ती हो गए? हाँ, हल और बंदूक दोनों का मिट्टी से ही तो वास्ता है। गांव कब आओगे? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा। छुट्टी मिलेगी तब? हाँ। कविता तुम गांव कब जा रही हो? कल। मेरा एक काम करोगी? क्या? मैं गांव से चलते वक्त हॉस्पिटल से इस घर का पता ले आया था और किसी से मिल के नहीं आया, माँ से भी नहीं। जहाँ तक हो सके माँ का ख्याल रखना। ख्याल रखना मेरे बस में नहीं है कविता। माँ जी की सेवा करना मेरा फर्ज है और मेरा फर्ज मेरे बस में है। और कोई हुक्म? जी जी। कविता चाय तैयार है, आकर पी लो। One, two, right, left, right, one, two.
चलो डॉरी तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मैंने सोचा पता नहीं साहब गांव कब तशरीफ लाएं, चलकर मैं ही मिल लूं। शहर कब आई? आने को तो सुबह आई मगर पहुंची अब। माँ कैसी है, मलंग चाचा कैसा है? गांव में सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। बस 3-4 दिन में मुझे 2 महीने की छुट्टी होने वाली है, दौड़ कर गाँव पहुँचाऊंगा। दौड़ कर न जाना हो तो 10 रोज के बाद मेरे साथ कार में चल सकते हो। थैंक यू। मेंशन नॉट। तुम जिस घर में पलकर पड़ी हुई हो और जिस घर में जाना चाहती हो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बड़ा फासला है। फासला है, दीवार तो नहीं है। कैसी? मुझे गलत मत समझना, मैं मानता हूं भारत के पास सब कुछ है, मानवता, भावनाएं, आदर्श, लेकिन आज के इस संसार में सुखी रहने के लिए और कुछ भी तो चाहिए। क्या वो इस लायक है? मैं खुश होती अगर तुम ये पूछते, जिस आदमी के पास भावनाएं, मानवता, आदर्श हैं, क्या मैं उसके लायक हूं? तुम जो कहती हो ठीक ही कहती हो। आज अगर हम चाहें तो हमें अमीर से अमीर लड़का मिल सकता है। कविता, ऐसे बंधन जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बांधे जाते हैं। नहीं, ऐसे बंधन बांधे नहीं जाते, बंध जाते हैं, कब के बन चुके हैं। कमली, मैं घर गया था, माँ वहाँ नहीं है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? शहर गई है। तुम कुछ नाराज सी लगती। अरे तुम्हारे बापू ने तो तुम्हारी शादी की बात की थी, लेकिन वो बात पूरन के लिए थी, किसी कुमार के लिए नहीं। ये कार कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पूरन, जरा एक नजर अपने इन खेतों को भी देखो, ये कैसे हैं? चुप क्यों हो गई है? हमने तो आज मेहमानों को भी बुला लिया है, आप क्या सोच रही हैं? यही कि कहां आप लोग और कहां हम, इतना मान, इतनी खुशियां मुझ गरीब की झोली में भर दी हैं आपने कि मुंह से कुछ कहा ही नहीं जाता। जरूर पिछले जन्म का कोई संबंध है, जो ऐसा घर, ऐसे लोग और कविता जैसी। हमें भी तो डॉटर डोनेशन के लिए भारत से अच्छा लड़का सारे भारत में नहीं मिलेगा माँ जी। क्या दादर तो दो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है धन्यमान। कन्यामान? हाँ, कुछ ऐसे ही था। क्या था? कन्यादान। हाँ, धन्यमान नहीं, कन्यादान। तो कन्यादान के लिए भारत से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अब समझी, आपने भारत को आज शाम के लिए कह दिया है ना? हाँ।
श्रीमान कंपनी आपके लेक्चर के लिए हाजिर है। आपके लिए हुक्म लाया, हमारे देश पर दुश्मन ने हमला कर दिया है, सीमा पर चारों तरफ से दुश्मन ने हमारी गैरत को ललकारा है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारी पवित्र धरती पर जो भी नापाक कदम पड़ेगा उसे हटा दिया जाएगा। हमारी बटालियन को सिर्फ 8 घंटे का नोटिस मिला है, आप लोग तैयार रहिए, इसके बाद हम किसी भी वक्त ऑपरेशन एरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबेदार साहब मार्च अप। हेलो, कौन? दमन भैया बोल रहे हैं? हाँ, मैं दमन बोल रहा हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं शाम को 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे वापस जल्दी आना होगा। क्यों? मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। छुट्टी कैंसिल हो गई है? जंग शुरू हो गई है, हमारी बटालियन सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पर है। सीओ साहब ने सारी बात सुनने के बाद मुझे 4 घंटे की छुट्टी दी है। तो तुम भी लड़ाई पर जा रहे हो? हाँ भैया, इस बात का माजी से या कविता से जिक्र मत कीजिएगा, मैं खुद आके उन्हें समझा लूंगा। क्या बात है भारत? कुछ नहीं। कुछ सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि आज बरसों के बाद मेरी माँ की जिंदगी में खुशी का दिन आया है। जरूरी बात है, बेटे की सगाई वाले दिन माँ खुशी से पागल हो जाती है। हाँ, मेरा मतलब है। कुछ परेशान हो क्या जंग की वजह से? नहीं 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 नहीं, यह तो फख्र की बात है कि मैं इस लायक बना कि फ़र्ज निभाने का वक्त आया। परेशानी है तो सिर्फ इतनी कि आज के दिन, आज की बात माँ से कैसे कहूँगा, कविता से कैसे कहूँगा। ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई है आज? देखो बेटी, अभी थोड़ी ही देर में मेरा बेटा घर आने वाला है। हम में से किसी की भी आंखें देखकर उसे यह पता ना चले कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है, उसे खुशी रहने देना। हम सब उसे खुशी रहने देंगे, हम सब उसे खुशी रहने देंगे। कैसे हो? खुशी वाले दिन कौन खुश नहीं होगा? मुबारक हो, मुझे फोन पर ही पता चल गया था। क्या? कि माँ ने हाँ कह दी है। जानती हो, एक बार गांव में माँ ने कहा था कि घर में बिल्कुल कविता जैसी बहू लाऊंगी। जैसी तो क्या, खुद कविता ही आ रही है। माँ कितनी खुश होगी, है ना? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी? तुमने प्यार किया है किसान के साथ, आज मंगनी होगी तुम्हारी एक फौजी जवान के साथ, शादी किससे होगी? शादी? बताऊं? एक इंसान से, ऐसे इंसान से जो जब किसान के रूप में हल चलाए तो चारों तरफ खेतियां लहला उठे, जो फौजी के रूप में विजेता का नारा लगाए तो सारा देश कह उठे जय जवान जय किसान। भारत, भारत बेटा। Thank you.
तुझे देख लिया, खुश हो गई, बहुत खुश। And gentlemen, today's surprise item of the evening, Mr. India, mera matlab hai Mr. Bharat, gaana gaayenge. Don't feel shy, my boy. Jab hamara engagement hua tha, hum bhi gaya tha. Aaj tumhara sagai hua, tumko bhi gaana padega. Yep. दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या
गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मैं गाड़ी निकलवाता हूं, तुम भारत को लेके आ जाओ। चुप क्यों? इसमें चिंता की कोई बात नहीं मां, परेशान नहीं होना। इतिहास साक्षी है मां, इस देश की मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद देकर कहा है कि जा बेटा, मां आशीर्वाद देती है, धरती मां की रक्षा करो। किस्मत ने खेतों में पसीना बहाने नहीं दिया, अब शायद किसी और रंग से धरती मां की सेवा करने का मौका मिले। ना पूरन मिले ना तो उसे माफ कर देना, आज सब थे, एक वही नहीं था। मिले तो उसे मेरा प्यार देना, पता नहीं फिर मिले ही या ना मिले। कभी नहीं कहते बेटे, जिन्हें लाखों करोड़ों का आशीर्वाद हो उन्हें कभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जा बेटा, वक्त हो रहा है, तुझे वहां जल्दी पहुंचना है। मानते हैं लेकिन शांति के साथ अगर हम दुश्मन का मुकाबला शांति के साथ कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन कायरता और बुद्धि के लिए जगह नहीं हो सकती। हथियारों का जवाब हथियार ही है और उसी से उसका मुकाबला होगा। मुबारक हो, अब बनाज नहीं बेचा जाएगा, जंग शुरू हो गई है। अगर राज दाम दुगने हैं तो कल चौगने होंगे, एक के चार और चार के 16 देंगे। क्या राय है आप लोगों की? ख्याल अच्छा है लेकिन खतरा भी तो है। खतरा? कैसा खतरा? गवर्नमेंट का। आजकल पुलिस छापे भी तो मार रही है। पुलिस हमारे ठिकानों पर कभी नहीं पहुंच सकती। और फिर कहां कहां छापे मारेगी?
गांव पर, दिल्ली के गोदामों पर, बंबई के और कलकत्ते के गोदामों पर आखिर कहां कहां पहुंच सकती है पुलिस। नमस्ते लखपति जी। नमस्कार जमन जी, नमस्कार। बैठे बैठे बैठे, कहिए कैसे आना हुआ? यही अपने लाला धनीराम के साथ शहर आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। धन्यवाद। कहां ठहरे हैं? यही अपने पूरन के यहाँ। कितना बड़ा आदमी हो गया वो। सच पूछिए तो भारत भी अगर अपने छोटे भाई की बात मान लेता तो आज कितना सुखी होता। क्या करता है पूरन? यही अपने लाला के साथ अनाज का व्यापार। काम तो शुरू से ही अच्छा था मगर लड़ाई छिड़ने के बाद और भी अच्छा हो गया। हाँ, पूरन कहता था अब 1 के 16 नहीं 100 मिलेंगे। वो कैसे? अनाज से भरे हुए गोदाम बंद करा दिए उन्होंने। अकाल पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अनाज कई गुना ज्यादा दाम से बिकेगा। हाँ, और उनके तो कई गोदाम कई शहरों में है। पूरन कहाँ रहता है? नेहरू रोड पर। बिल्डिंग का नाम? सेवा सदन। वाह, कैसे लोग कैसी जगह पर रहते हैं। अच्छा लखपति जी, आज्ञा चाहूंगा, एक जरूरी काम है। नमस्ते। नमस्कार। मैंने बता के कुछ गलती तो नहीं की? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अरे अरे, इसे क्यों मार रही है? क्यों मार रही हो इसे? इसने कल खाना खाया था और आज फिर मांग रहा है। खाना? Hi Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi Shiva. Hi. आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग? लगता तो नहीं। गुलाबी रात की हर बात गुलाबी। जाने न दे हाथ से, हो
गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है। काली ये काली रात, काली है काली रात की हर बात, काली है काली रात की हर बात, काली है काली रात की हर बात काली। अक्सर तन ढकने की खातिर खुद तन ही बिकने लगता है, कोई पेट पालने निकला तो कोई पेट में पलने लगता है। महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, और अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो, जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी। जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुछ ले जाते हैं, मस ले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई। इस अनाज को चार गुना कर दो, एक हिस्सा गेहूं और तीन हिस्से कंकर और जौ, और हां बाजार में जितना भी चावल मिले उसे खरीद लो, जिस भाव पर भी मिले उसे खरीद लो। साहब, साहब पुलिस, पुलिस भाग जाओ, भाग जाओ।
जय राम जी की। अबे तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तू उससे जाकर ये सब कुछ कह दे? सेठ जी, मुझे क्या मालूम कि दमन बाबू पुलिस के आदमी हैं। अरे मैंने तो अपनी बढ़ाई करते हुए कह दिया था, मुझे क्या मालूम कि अपना काम इतना बुरा है। लखपति ने जानबूझकर कहा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मुझे अगर कहना होता तो मैं पूरन से ये नहीं कहता कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर दोनों भाइयों में फूट डलवा दी। तुम्हें तो फिर भी सेठ जी ने पैसा दिया, मुझे क्या दिया है? देखो जी, मेरी ईमानदारी पर अगर शक करोगे तो मैं सब कुछ पूरन से कह दूंगा। हाँ पूरन, बेटे पूरन, बेटे पूरन, ये तो मजाक कर रहा था। और बेटे, अगर कोई झूठ सच बोला भी गया होगा तो तेरी भलाई के लिए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं कहता हूं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा ना तेरी भलाई के लिए। और आज अगर तू मालदार हो गया है तो मामा को आगे दिखाता है। बेटे, इसने जो कुछ भी किया वो तेरे अच्छे के लिए बेटा। और फिर तू ये तो सोच के तू क्या था और क्या हो गया बेटे। क्या से क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गया बेटा? पूरन, पूरन, चरणदास, खैरियत इसी में है कि अब हम लोग गांव भाग चले, वरना कब यहां पुलिस के दर्शन हो जाएंगे कोई ठीक नहीं, समझे? हाँ लखपति जी, आप भी हमारे साथ ही चले हैं। साहब, आज सुबह से दुश्मन खामोश है। साहब, दुश्मन मेजर साहब को पकड़ कर ले गए। हम लोग जीप में आ रहे थे कि दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया और मेजर साहब को गिरफ्तार कर लिया। मैंने छुपकर उनका पीछा किया। इस वक्त वो काले पहाड़ के पीछे वाली चौकी में है। जरूरी कागजात भी मेजर साहब के पास थे। उन्हें बचाना ही होगा। भारत तैयार हो। यही है वो चौकी। यहाँ मेजर साहब बंद है। यहाँ दुश्मन के कम से कम 25-30 आदमी होंगे। दूसरी तरफ जाकर आग लगा दो, होशियार रहना। हिंदुस्तानी मेजर हमें कुछ बताता नहीं और इस नक्शे और ब्लू पेपर के कोड हमारी समझ में आते नहीं। जाओ मेजर को दोबारा बुलाओ। कौन है तुम? भारत। क्या चाहते हो? मेजर साहब जल्दी। चलिए साहब,
भारत में नक्शा और कागज बहुत जरूरी हैं। आप चलिए, मैं लेके आता हूँ। अपना आदमी बाहर खड़ा है। नक्शा। चलिए साहब। भारत जल्दी। साहब उधर से नहीं, इधर से। तक लाल टैन नहीं आती तो मैं अंधेरे में ही रहना होगा। सिपाही को जान का गम नहीं होता। सुबह तक की मोहलत मिली है। अगर तुमने फिर भी हमारे सवालों का जवाब न दिया तो समझ सकते हो कि क्या होगा। आज जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि खुद जिंदगी ने मुझे जहरीला नाक समझकर अपने कदमों में कुचल दिया है। वो हैवान जिसकी जिंदगी की दौड़ सिर्फ दौलत, शहरी जिंदगी और चमकती हुई कार तक थी, आज वो अपनी चमकती हुई कार के साथ फना हो चुका है, मर चुका है। मैं तुम्हारे पास आया हूं
अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। सरकार से कहो कि वो जैसे गुनहगार को बाजार में जंजीरों से बंधवाकर कुत्तों से नाचवाए, ताकि आइंदा कोई पूरन कुमार बनने की ख्वाहिश न करे, ताकि आइंदा कोई भारत ऐसे वही पर शक न करे, शक न करे। तुम? हाँ, इन्हें लेने आया था। जय जय राम जी की लाला जी। अरे राम बोलो लाला जी की। बेटी अपने भाई को समझाओ ना बेटी। भैया बहुत समझदार है, जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं। कविता सुनो, देखो माँ जी से कह देना कि पूरन की जिंदगी का रुख बदल गया है। कैसे? वो सरकारी गवाह बन गया है। उसी ने हमें लाला जी और दूसरे सेठों के नाम और पते बतलाए, और उसी की मदद से हमने लाखों मन छुपा हुआ अनाज गोदामों से बाहर निकाला है सिर्फ एक ही रात में। पूरन कहाँ है? पूरन शहर में है, एक आध दिन में आ जाएगा। हाँ, भारत का कुछ पता चला? नहीं। वो देखो, हमारे जहाज दो हिंदुस्तानी जहाजों को घेर कर ले आए। अरे ये क्या, हिंदुस्तानी पायलट जहाज निकले, वो अपने जहाजों को लेकर भाग गए। के चंद मकान थे और अनगिनत बम गिरे,
सारे का सारा गांव खंडर हो गया है, मरकट हो गया है। तुम यहां कैसे आए? तुम दादी टोली के साथ गांव से निकला था और आगे मोर्चे तक भी गया। घर घर ने जो खाना बनाकर दिया था उसे मुसीबत के मारे लोगों को दिया और जवानों ने भी खाया। अपना गांव यहां से कितने दूर है? 4 मील। हम लोग वापस लौट रहे थे कि दुश्मन के हवाई जहाजों ने दरिया का पुल उड़ा दिया। सोम और मंगल भी मेरे साथ थे, वो लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढने गए। भारत, 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 क्या हुआ बेटा? भारत, बेटा क्या हुआ? अभी लाया। तब तोड़ा होगा कि सारा पानी लाल हो गया। भारत, कहां है वो वैशी जिन्हें जंग का शौक है? कहां है वो भेड़िए जो इंसानी खून के प्यासे हैं? कहां है वो? अगर आज वो मेरे सामने आए तो मैं उनसे कहूं कि आओ। अगर रब भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो डूब जाओ इसमें और बुझा लो अपनी प्यास। बेटा, इंसान चांद की तरफ जा रहा है और इंसानियत इंसानियत इस कुएं के पानी की तरह होती जा रही है। पानी? बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। लानत है तुझ पर कमीने, जो मर जाए लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं और तू मरने के बाद भी उन्हें ढूंढ रहा है। बेचारी नई नई सुहागन थी, खुद मर गई, सुहाग भी यहीं कहीं मरा पड़ा होगा। तब मंगल सूत्र उतार भी लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू तो पागल हो गया मलंग, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। जीबे भर ले, बहुत सी कीमती चीजें हैं यहाँ। हाँ, बहुत सी कीमती चीजें। एक कीमती चीज और भी है, चल उसे गांव ले चले। कौन सी चीज? भारत। भारत? हाँ, बेचारा बुरी तरह जख्मी पड़ा है, चल उसे उठाकर गांव ले चले। ये नेक काम कर ले तो तेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, समझा? कहाँ है भारत? कुएं के पास। तो चलो, तो वहां चल, मैं कहीं से भी पानी लेकर आता हूं। पहचाना मुझे? कंस मामा। कंस तो कृष्ण को नहीं मार सका, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, ऐसे हाँ।
क्या बोलेगा? चल, कमीने, चलो जा यहाँ से, चल। देखता हूं अब तुम्हें कौन बचाता है। स्टॉक में खून की सिर्फ एक ही बोतल है और ये खून इनके खून से नहीं मिलता। अब क्या होगा? अरे अरे मैं जाऊँ, मुझे चीर लो, मेरा सारा खून ले लो, लेकिन लेकिन मेरे बच्चे को होश में ले आओ। माँ जी, बेटी अब सोचो मत, देखो देखो इसका रंग नीला पड़ता जा रहा है। आइए मेरे साथ। माँ जी का खून नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मैच नहीं करता, दोनों खून एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। क्या कहते हो? माँ बेटे का खून नहीं मिलता? तुम सब झूठ कहते हो, मैं भारत की माँ हूँ, वो मेरे दूध से। मेरे दूध से नहीं पला, ये मुझे भागन के दूध से नहीं पला, इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो क्या हुआ? मेरी आंसुओं ने इसे पाला है। मैं पूछती हूँ, क्या माँ का दूध ही दुनिया में सब कुछ है? ममता की आंसुओं की कोई कीमत नहीं। कविता बेटी, माँ जी, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे भारत को बचा ले बेटे, बचा ले मेरे बच्चे को। हौसला रखिए माँ जी, हौसला रखिए, बचा ले बेटे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जिसे आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो उसे भगवान अच्छा ही करेंगे। मगर कैसे, खून कहाँ से आएगा? मेरे शरीर से, मेरे शरीर से। डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर हमारे जिस्म अलग, लेकिन हमारी रोगों में एक ही खून है। डॉक्टर आप इस खून का एक एक कतरा ले लो डॉक्टर, लेकिन मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। गुड लक डॉक्टर, हम पूरन का खून दे सकते हैं।
इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए, केस और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। डॉक्टर, मेरी राय में हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं डॉक्टर, मैं अच्छी तरह समझता हूं। ये इम्तिहान की घड़ी है, जज्बात पर काबू पाकर तुम्हें ऑपरेशन करना होगा। मुझे? हाँ डॉक्टर, अभी की ब्लड रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि जहर आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म में फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि जख्मों में सेप्टिक हो चुका है। अगर दोनों बाजू जल्द ही ना काट दिए गए तो इनकी नहीं। अगर अगर जहर फैल रहा है तो फैलने दो, मौत ही तो आएगी, जान ही तो जाएगी। माजी, माजी समझाइए ने। कैसे इंसान है आप, एक एक सिपाही बंदूक ना उठा सके इसलिए उसके बाजू काट देना चाहते हैं आप, एक एक किसान हल ना उठा सके इसलिए उसके बाजू काट देना चाहते हैं आप। नहीं पुरन, मेरे भाई, कहो इनसे, कहो कि भारत के बाजू नहीं कट सकते। इज्जत कर रहे हैं। कह दिया ना मैंने, मेरे बाजू नहीं कट सकते, नहीं कट सकते। भारत, बेटा सिद्ध नहीं करते, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें माँ की सौगंध। मेरे मेरे ये हाथ, कविता, आज आज जब जब के हाथ ही कट जाएंगे तो फिर मैं अपने इन हाथों से कभी पवित्र माटी को नहीं छू सकूंगा, कभी नहीं छू सकूंगा डॉक्टर। Thank you.
माँ जी, खतरे की घड़ी टल गई, ऑपरेशन ठीक हो गया, अब आप जाइए, सुबह आ जाना। मैंने कहा था ना, तू अच्छा हो जाएगा। माँ, हाँ, पूरन कहाँ है? बुलाती हूँ। बाजू मेरे सामने लाओ, लाओ। कौन कहता है कि मेरे बाजू कट गए हैं? देखिए मेरे बाजू तो आज मुझे वापस मिले हैं। माँ, देखो मेरे बाजू मुझे वापस मिल गए हैं। नारा है मेहनत कश का और सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे खा के तन मन उजला हो, मेहनत की वही कमाई है, मेहनत की वही कमाई है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।